ऑल राइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास टुडे। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह के एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स के बारे में जितना जान पाएंगे जानेंगे। कोशिश करेंगे कि सारी एक्सप्लेनेशन दे दूं, नहीं हो पाया तो कुछ एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, बहरहाल देखते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से हर चीज बताऊंगा, जो कुछ इस वक्त स्क्रीन पे लिखा हुआ है। चले मैं पहले स्टार्ट लेता हूँ बेसिक बात, और उसके बाद फिर मैं आपको लिखने का थोड़ा मौका देता हूँ। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं सर्कल से। सर्कल क्या होता है? ये हम सब ने सर्कल बचपन से देखा है, ये पहली दफा नहीं है कि हम सर्कल्स देख रहे हैं, हम सर्कल्स बहुत दफा पहले भी देख चुके हैं। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हमें बताया जाता है कि एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सर्कल अगर निकालना चाहते हैं तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो 2πr होता है। पाई की वैल्यू कैलकुलेटर वाली भी ले सकते हैं या 3.142 भी ले सकते हैं। बहरहाल इसकी डिटेल डिस्कशन तो मेंसुरेशन में ही करेंगे, क्योंकि एरिया के फॉर्मूलाज वगैरह के हवाले से तो अभी हमने ज्यादा बात करनी नहीं है। लेकिन हमने जो एरिया जो सर्कल को पढ़ा है वो एरिया और सर्कमफ्रेंस के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ा। अब एक बात हमें समझनी है कि हर सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है। वी नो दैट व्हेन वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, हम एक पॉइंट पे कंपास रखते हैं और उसको राउंड घुमाते हैं तो सर्कल बन जाता है। और सर्कल की जो बाउंड्री है, यानी कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है पूरा, ये जो गोल होता है ना, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का सेंटर से फासला हमेशा बराबर होता है। मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं सर्कमफ्रेंस पे, ये वाले पॉइंट की बात करूं, तो यहां से यहां तक रेडियस, ये क्या होगा? रेडियस होगा। किसी भी पॉइंट पे मैं अगर किसी भी पॉइंट पे मैं आ जाऊं और सेंटर से लाइन ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस हमेशा एक सर्कल का फिक्स होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस कहते हैं। सही है, ये बात हमें पहले भी पता है। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं? व्हाट इज अ कॉर्ड? सबसे पहले ये समझना है, सर्कल जब हम पढ़ाते हैं एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, सबसे पहली चीज यहां पर ये बताते हैं कि व्हाट इज अ कॉर्ड। अ कॉर्ड इज अ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई, आप आराम से लिख लीजिएगा, लिखने की जल्दी नहीं है, अभी समझना है। अ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज अ कॉर्ड। अब मैंने यहां बना के दिखाया कि मैंने सर्कमफ्रेंस पे जो है एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी, दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन बन गई यहां से यहां तक, ये कहलाएगी कॉर्ड। अच्छा, अब कटता क्या है कॉर्ड? कॉर्ड जब कॉर्ड बनाते हैं तो होता क्या है? जब कॉर्ड बनाते हैं तो एक सर्कल दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अ कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कल इंटू टू अनइक्वल पार्ट्स। जो छोटा वाला पार्ट है, द स्मॉलर पार्ट, जो इस केस में जो कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट है, जो स्मॉलर पार्ट है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। अक्सर बच्चे ना सेक्टर में और सेगमेंट में कंफ्यूज रहते हैं। सेक्टर और सेगमेंट में बड़ा फर्क है, इनके अंदर जो डिफरेंस है ना वो तो हम मेंसुरेशन में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो कब जब कॉर्ड बनता है तो सेक्टर हासिल नहीं होता, सेगमेंट हासिल होता है। जो छोटा वाला हिस्सा है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो अ कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, द स्मॉलर पार्ट इज नोन एज द माइनर सेगमेंट एंड द बिगर पार्ट इज नोन एज द मेजर सेगमेंट। अच्छा, अब देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस रूल। हर कॉर्ड सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है सिवाय एक कॉर्ड के, और वो कॉर्ड कहलाता है डायमीटर। हम सब जानते हैं कि जब एक सर्कल बनता है और सेंटर मार्क होता है तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो सेंटर से पास होती भी जाए तो यहां से यहां तक भी रेडियस है, यहां से यहां तक भी रेडियस है, और डायमीटर हमेशा हमें पता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 होगा। तो यहां से लेकर यहां तक डायमीटर है। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड।
यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन की शेप दे देता हूं, यहां से लाइन बनाई यहां तक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से लेकर ओ तक रेडियस है, ओ से लेकर बी तक रेडियस है, तो ए से लेकर बी तक डायमीटर है। डायमीटर ए बी डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स एंड बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, हर कॉर्ड सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है और वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोई भी पूछे ना कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है तो आप कहेंगे डायमीटर, हर कॉर्ड दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है कि एक कॉर्ड ऐसा है जो सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और दुनिया उस कॉर्ड को डायमीटर के नाम से जानती है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। सेमी का मतलब हाफ, हाफ ऑफ अ सर्कल, दिस मीन्स सेमी सर्कल। तो दोनों पार्ट जो है वो सेमी सर्कल्स होते हैं। तो ये कॉर्ड के बारे में बेसिक सी नो हाउ मैंने आपके सामने रखी, इस बेसिक बात को भी अपने पास नोट डाउन करें। और फिर ये जो दो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल लिखवाई हैं, इसको भी कॉपी कर लें, इंशाल्लाह सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल भी डिटेल में समझाऊंगा। तो जो अभी मैंने समझाया वो कॉपी करें, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज कॉपी करें, फिर इंशाल्लाह दोनों चीजों को एक साथ समझाते हैं। तो वो पहली वाली चीज तो समझा दी, अब सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज समझाऊंगा इंशाल्लाह।
चले बेटा स्टार्ट लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बेसिक इंट्रो हमने ले लिया क्वाड क्वाड के हवाले से, अब आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। अच्छा वैसे आपका जो सिलेबस है सीआई का, उसमें इसने सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल अलग अलग जिक्र किया है। इसी तरह बुक्स वगैरह में भी हमें अलग अलग मिलता है। तो क्या फर्क है? सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम लेंथ वगैरह के हवाले से बात करेंगे, इक्वल साइड वगैरह के, इक्वल इक्वालिटी के हवाले से बात करेंगे, और एंगल प्रॉपर्टीज में हम स्पेसिफिकली एंगल्स के हवाले से बात करेंगे। बहरहाल ये सब प्रॉपर्टीज एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल के अंदर ही आ रही होती है। तो चाहे अलग अलग नाम देना चाहें या ना देना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसको अलग अलग कैटेगराइज करके कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल में, इफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड वाइस वर्सा। अब मैं बहुत गौर से एक चीज समझा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। मैंने एक कॉर्ड बनाया, एक कॉर्ड बनाया ए बी, सही है, मैंने एक कॉर्ड बनाया कॉर्ड ए बी, और उसके बाद मैंने कॉर्ड ए बी, मैंने ओ से लेकर कॉर्ड ए बी तक एक लाइन बनाई, ओ यानी कि सेंटर, ए बी एक कॉर्ड है और ओ सेंटर है, सेंटर से लेकर कॉर्ड तक मैंने एक लाइन बनाई, और लाइन इस तरह बनाई कि ये लाइन परपेंडिकुलर थी कॉर्ड से, मतलब ओ टू द कॉर्ड मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की। तो अगर ओ से लेकर कॉर्ड तक आने वाली लाइन, ये जो पॉइंट है इसको मैं कह देता हूं एक्स, अगर ओ से लेकर, अगर सेंटर से लेकर कॉर्ड तक आने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी, वो कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े कर देगी। और जब दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना, जब हम कहते हैं टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं, बाइसेक्ट। अगर सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होंगे, मतलब लेट सपोज अगर कॉर्ड ए बी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, अगर मुझे कोई कहता है कि ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ए एक्स 5 है और एक्स बी भी 5 है। अच्छा अब एक पर्सपेक्टिव ये कि अगर सेंटर से कॉर्ड तक आने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर सेंटर से लेकर कॉर्ड तक आने वाली लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि वो कॉर्ड से क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब यहां बताने का मकसद कि अगर एग्जामिनर सवाल में यह हमें बता दे कि सेंटर से कॉर्ड तक आने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम समझ जाएंगे कि वो बाइसेक भी कर रही है, या एग्जामिनर बता दे कि सेंटर से कॉर्ड तक आने वाली लाइन कॉर्ड को बाइसेक कर रही है, तो हम समझ जाएंगे कि वो परपेंडिकुलर भी है। मतलब सेंटर से कॉर्ड तक आने वाली लाइन दो काम एक साथ करती है, वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड भी होती है और साथ ही साथ कॉर्ड को बाइसेक भी करती है। अच्छा इसको एक जुमले में मैंने समेट लिया, और वो जुमला अक्सर इस्तेमाल होता है, और ये जुमला अगर जहन में बैठ जाए तो ये प्रॉपर्टी जहन में बैठ जाएगी, जो मैंने और के बाद बोल्ड में लिखा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर। अच्छा अब परपेंडिकुलर का मतलब हम जानते हैं 90 डिग्री जो लाइन बनाती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, बाइसेक का मतलब हम जानते हैं। तो अगर एक लाइन डुअल फीचर्स प्ले कर, डुअल रोल प्ले कर रही है, इफ अ लाइन इज प्लेइंग डुअल रोल, टू रोल्स एट द सेम टाइम, एक लाइन परपेंडिकुलर भी है और वो लाइन बाइसेक भी कर रही है, तो हम कह रहे हैं दीज आर डुअल रोल्स, दो रोल्स परफॉर्म कर रही है वो लाइन, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी लाइन को हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
जो कि दो लफ्ज का मर्जर है। परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट को मिला दिया जाए तो बन जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पर ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये देखें तो आपको प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से गुजरता है। तो हमने एक पर्सपेक्टिव ये देखा, सेंटर से कॉर्ड तक आने वाली लाइन 90 है तो बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट कर रही है तो 90 का एंगल बनाएगी। या फिर अगर कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाए, मतलब मैं इसको और वाजे करता हूं इस बात को, मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने रैंडम एक कॉर्ड बना दिया यहां पर, इस कॉर्ड का नाम है सी डी, फिर मैंने इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। आपने शायद बचपन में ज्योमेट्री में ये भी सीखा होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है, बाहर एक टॉपिक है इंशाल्लाह लोकस, उसमें ये बात आपको वाजे कर दूंगा। तो अगर मैं एक कॉर्ड बनाऊं सी डी और फिर मैं उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, मैंने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर वाकई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यकीनन ये सेंटर से गुजरता हुआ जाएगा। आगे तो ये जहां तक भी जाए वो कंसर्न नहीं हमारा। अगर कोई लाइन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो सेंटर से गुजरेगी। तो मैंने हर पर्सपेक्टिव से ये प्रॉपर्टी समझा दी, फिर मैंने डायग्राम के हिसाब से यहां लिख दिया, नोट द लाइन ओ एक्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी। सेंटर से लेकर कॉर्ड तक आने वाली लाइन जिसे ओ एक्स कह रहे हैं वो कॉर्ड का कौन है भाई, वो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ओ एक्स वो लाइन है जो डुअल फंक्शनैलिटी डुअल रोल प्ले कर रही है। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर वन। फिर आते हैं सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी नंबर टू पे। एक सर्कल बनाया और उस सर्कल में कई कॉर्ड्स बनाए, अभी तो आपके सामने दो कॉर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, मैं एक और कॉर्ड बना लेता हूं। मैंने ये कॉर्ड बना लिया, और इस कॉर्ड का नाम मैंने दे दिया ई एफ, और मैंने आपसे कहा कि ये कॉर्ड जो है इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब आप देखें तो इस डायग्राम में आपको तीन कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं और तीनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तीनों कॉर्ड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी 5 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, ई एफ भी 5 सेंटीमीटर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो फिर क्या होगा। तो अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो सेंटर से कॉर्ड तक की डिस्टेंस सब कॉर्ड्स की बराबर होगी। अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो अगर पहले की लेंथ, पहले की डिस्टेंस सेंटर से 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे की डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो अब अगर मैं कहूं कि क्योंकि ये दो कॉर्ड्स 5 सेंटीमीटर के हैं और दोनों की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो अब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कर लूं लाइन तो ये कितने सेंटीमीटर होगी। तो हम बोलेंगे क्योंकि ये वाला कॉर्ड बाकी कॉर्ड्स के बराबर है लिहाजा सेंटर से इसकी डिस्टेंस भी बराबर होगी। हाँ, ये डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रहे, और ये परपेंडिकुलर लाइन जो आती है ये बाइसेक भी करती है कॉर्ड्स को, ये प्रॉपर्टी नंबर वन ने हमें सिखा दिया। तो ये नॉर्मल ऐसे नहीं रैंडमली कोई भी लाइन बना दी जाए, परपेंडिकुलर लाइन ही बनानी है। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब मैं इसकी अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ दे विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा। अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी बराबर होगी, और वाइस वर्सा का क्या मतलब, अगर दो कॉर्ड्स की सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो उन कॉर्ड्स की लेंथ बराबर होगी। तो अगर मुझे कोई बता दे दो कॉर्ड्स कि दो कॉर्ड्स हैं, इन दोनों की डिस्टेंस बराबर है, तो मैं समझ जाऊंगा दोनों कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है।
या फिर अगर मुझे कोई ये बता दे कि दो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है तो मैं समझ जाऊंगा कि दोनों कॉर्ड्स की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बराबर है। तो एक पर्सपेक्टिव मुझे कोई रख दे मेरे सामने, मैं दूसरा खुद से कंक्लूजन ड्रॉ कर लूंगा। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं जो मैंने बोल्ड किया, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये एक जुमला इस पूरी प्रॉपर्टी को आपके दिमाग में बिठा सकता है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो कॉर्ड्स जो बराबर हैं उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होगी। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो मैंने यहां लिखा सिनेरियो के हिसाब से कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, और मैंने क्योंकि एक और कॉर्ड किया तो कॉर्ड ई एफ भी मैं इसमें शामिल कर लेता हूं। तीनों कॉर्ड्स बराबर हैं तो अब मैं कहूंगा डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ई एफ फ्रॉम ओ। तो 100 कॉर्ड्स बना लें लेकिन अगर तमाम कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस बराबर होगी। क्या यहां तक दोनों सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज सबको समझ आ गई हैं? एक्नॉलेजमेंट दे दें, किसी को कोई डाउट हो रेज हैंड कर सकता है। नहीं है डाउट एक्नॉलेज कर दें ताकि मुझे यकीन हो जाए सबको समझ आ गया। चले जी आगे बढ़ते हैं। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में सबसे पहली प्रॉपर्टी कॉपी कर लें पहले फिर मैं समझा देता हूं। अच्छा जी कुछ बच्चे कह रहे थे ऊपर का स्क्रीनशॉट दिखा दे, तो देखें स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ऊपर का, ले रहे हैं आप जिसको लेना है। अच्छा बेटा चलो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में सबसे पहली प्रॉपर्टी का स्टार्ट लेते हैं। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। Angle subtended by the chord at the center is twice the angle subtended by the same chord at the circumference. सर थोड़ा सिंपल करें, इतनी अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं? अगर एक chord
सेंटर पे एंगल बनाए और वही कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बनाए। याद रहे मैंने कहा सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाए मतलब सर्कमफ्रेंस पे टच होना चाहिए दोनों लाइनें। तो एक कॉर्ड बनाया मैंने, उस कॉर्ड से मैंने दो लाइनें भेजी, कॉर्ड ए बी बनाया और कॉर्ड ए बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक पॉइंट है, दो एंड पॉइंट्स है कॉर्ड के, ए से लेकर मैंने लाइन भेजी सेंटर पे एओ, फिर बी से मैंने एक लाइन भेजी सेंटर तक बीओ, तो अब ये एओ बी ट्राइंगल बन गया। तो अगर एओ बी ट्राइंगल में जो बीच वाला एंगल है एओ बी एंगल, मुझे कोई बता देता है कि ये वाला एंगल 150 डिग्री का है, तो और फिर मुझे पता चलता है कि ये जो कॉर्ड ए बी है ये सर्कमफ्रेंस पे भी जा रहा है, मतलब ये कॉर्ड ए है ए बी जो है, ए से मैंने सर्कमफ्रेंस तक लाइन भेजी ए सी, बी से मैंने सर्कमफ्रेंस पे लाइन भेजी बी सी, तो ये जो लाइन ए सी और बी सी गई और उसके बाद जो ट्राइंगल ए सी बी फॉर्म हुआ उसमें जो एंगल ए सी बी है जो सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है वो 150 का हाफ होगा, यानी कि 75। अच्छा यहां तो ट्वाइस वाली बात लिखी है, हाफ वाली बात तो नहीं लिखी, तो यहां क्या लिखा है जरा पढ़ें दोबारा से, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस वाले एंगल का डबल होता है, प्रोवाइडेड दे आर सबटेंडेड फ्रॉम द सेम कॉर्ड। अच्छा ये सबटेंडेड जो है ना ये किताबों में लिखा है, सबटेंडेड फ्रॉम द सेम कॉर्ड, ये जरूरी है, ये जो बात मैंने लिखी है दे आर सबटेंडेड फ्रॉम द सेम कॉर्ड। तो सबटेंडेड का मतलब क्या होता है, सबटेंडेड सबटेंड का मतलब होता है टू फॉर्म, जो सबटेंडेड है ना सबटेंडेड लिखा हुआ है इसका मतलब एंगल फॉर्म्ड, तो सबटेंड का मतलब होता है टू फॉर्म एन एंगल। तो इफ अ कॉर्ड फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 150 एट द सेंटर द सेम कॉर्ड विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 75 एट द सर्कमफ्रेंस। या फिर इस तरह सोचें, इफ अ कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 75 एट द सर्कमफ्रेंस द सेम कॉर्ड will subtend an angle of 150 at the center. मतलब अगर circumference वाला angle पता चल जाए तो center वाला निकालने के लिए double करते हैं, या अगर center वाला पता चल जाए तो circumference वाला निकालने के लिए half करते हैं। याद कैसे रहेगा बच्चे, गलती है पता क्या करते हैं, center वाला दिया होता है circumference वाला निकालने के लिए double कर देते हैं, या circumference वाला दिया होता है center वाला निकालने के लिए double करना चाहिए था half कर देते हैं। तो यहां पर एक बात अगर आप लिखना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, सेंटर वाला एंगल बड़ा वाला एंगल होता है, सेंटर वाला एंगल बड़ा वाला एंगल होता है। तो अगर आपके जहन में ये जुमला मौजूद है कि सेंटर वाला एंगल बड़ा होता है तो आपको डबल कब करना है और हाफ कब करना है कि चक्कर खत्म। सेंटर वाला एंगल जब बड़ा वाला एंगल है आपको पता चल गया, तो अब जब सर्कमफ्रेंस वाला एंगल दिया होगा तो आपके जहन में आएगा कि सेंटर पे तो बड़ा होता है तो डबल करना है, और अगर सेंटर वाला दिया है सर्कमफ्रेंस वाला निकालना है तो आप सोचेंगे सेंटर वाला तो बड़ा होता है और सर्कमफ्रेंस वाला छोटा होता है तो इसका मतलब हाफ करना है। तो अब कब हाफ करना है कब डबल करना है ये कंफ्यूजन अल्लाह के हुक्म से आपको नहीं होगी। तो यहां पर एंगल एट सेंटर, इस चीज को जो मैं सवाल के हिसाब से लिखता हूं, एंगल एट सेंटर इस केस में AOB है, is twice, is two times, is मतलब equals to, is two times angle at circumference which in this case is ACB। अभी कॉमन चीज देखें, AOB AB से AB AB इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ACB ACB इसमें भी AB इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब कॉर्ड का सेम होना जरूरी है, सेम कॉर्ड से वो एंगल आया हुआ होना चाहिए। तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, कभी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो तो रेफरेंस दे दिया करें। अच्छा अब सवाल यहां पर ये यह आता है, एक बात मैं अभी से बता दूं, जब एंगल प्रॉपर्टीज के सवाल आते हैं तो कभी ये पेपर वन का हिस्सा बनता है कभी पेपर टू का, तो भारत पेपर वन का हिस्सा बने या पेपर टू का हिस्सा हमें कंसर्न नहीं है,
दोनों पेपर्स में वो किसी भी तरह टेस्ट कर सकता है, लेकिन टेस्ट करने के दो अंदाज होते हैं। एक अंदाज, गिव योर आंसर्स एंड गिव योर रीजंस फॉर ईच आंसर। बाय गिविंग योर रीजंस फॉर ईच आंसर फाइंड द फॉलोइंग, हर आंसर का रीजन देना है। और एक सवाल होता है, फाइंड द अननोन वैल्यूज ऑफ एंगल, जो एक्स वाई जेड होते हैं, फाइंड द फॉलोइंग एंगल्स, एंगल्स के नाम बता दिए और बोला ये एंगल्स निकालो। तो जब सिर्फ एंगल्स निकलवा रहा है तो फिर रीजनिंग की टेंशन नहीं लेनी, फिर रीजनिंग का कोई मार्क नहीं है, फिर हर एंगल का तकरीबन एक 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 मार्क होगा। कोई मुश्किल एंगल होगा निकालना तो दो नंबर दे देगा। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर बोलता है रीजन दें, तो फिर नॉर्मली देखा गया कि एक मार्क आंसर का होता है और एक मार्क उसके रीजन का होता है। तो अगर सेम एंगल जो सिर्फ एक मार्क का था, अगर उसकी रीजनिंग एग्जामिनर ने मांग ली तो वो दो नंबर का बन जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है, कब रीजन देना है कब नहीं देना? जब एग्जामिनर ने कहा रीजन दो तो देना है, जब एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा रीजन के हवाले से तो डेढ़ होशियारी करने की जरूरत नहीं है। आप डेढ़ होशियारी करें, आपका वक्त लगेगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जब रीजनिंग मांगेगा और आप सर्कमफ्रेंस वाले एंगल को डबल करेंगे या सेंटर वाले एंगल को हाफ करेंगे, तो आपने बस ये प्रॉपर्टी लिख देनी है, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। एग्जामिनर समझ जाएगा, बच्चे को बात पता है। अब यहां पर जो टिप है वो कैसे समझाऊं, उसको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो सर्कल बनाता हूं फिर समझाता हूं। ये वाला एंगल, ये पॉइंट है ए, ये है सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल ओ, और ये वाला एंगल है बी। अच्छा, कॉर्ड ए बी जो है वो लाइन होनी चाहिए। अच्छा, बात औकात क्या होता है, इस तरह सिनेरियो बना होता है लेकिन ए और बी जुड़े हुए नहीं होते, ए और बी ज्वाइन नहीं हुए हुए होते। तो भाई शर्माना नहीं है, एग्जामिनर का इंतजार नहीं करना कि वो ए और बी को ज्वाइन करेगा। अगर ए और बी ज्वाइन नहीं हुए हुए तो आप ए और बी को ज्वाइन कर दें, बिला झिझक ए और बी को ज्वाइन कर दें। तो मैंने कहा चलें ए और बी को हम ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा देखें, अब मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, अभी कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी ने सेंटर पे एक एंगल बनाया 150 डिग्री, कुछ और कर देते हैं 180 कर देते हैं, नहीं एक मिनट, इसको कर देता 130 चाहिए। अब यही कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बना रहा है और ये वाला पॉइंट है डी, मुझसे पूछा जा रहा है एंगल ए डी बी बताएं। एग्जामिनर कह रहा है एंगल ए डी बी जो है वो निकाल के बताएं। अब बच्चे के जहन में प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस वाले एंगल से डबल होता है। तो बच्चा कहता है यार सेंटर वाला एंगल बड़ा है, सेंटर वाला एंगल 130 है और सर्कमफ्रेंस वाला एंगल जो है वो उससे आधा होगा 65। बच्चे ने ये तो सही सोचा कि सर्कमफ्रेंस वाला एंगल जो है वो सेंटर वाले एंगल से आधा होगा, लेकिन उस बच्चे को ये टिप नहीं पता थी जो आपको लिखवाई जा रही है, कंपेयर हैप्पी फेस एट सेंटर विद हैप्पी फेस एट सर्कमफ्रेंस एंड सैड फेस एट सेंटर विद सैड फेस एट सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब अगर आप इस वक्त देखें, ऊपर वाले पहले वाले एग्जांपल में देखें तो 75 का शेप इस तरह था और 150 वाले का शेप भी इस तरह था, तो डायरेक्ट कंपैरिजन बनता था, दोनों सेम सेगमेंट में थे। ये जहन में पिक करना है, दोनों सेम सेगमेंट में थे। अब यहां अगर देखें तो ए और बी, ए और बी जो है
वो मेजर सेगमेंट में है, एडीबी जो है वो माइनर सेगमेंट में है, और एडीबी का शेप इस तरह का है जो कि सैड फेस कहलाएगा, और ए ओ बी का शेप इस तरह का है, तो ये तो लाइक विथ लाइक कंपैरिजन नहीं हुआ, हैप्पी और सैड का कंपैरिजन सही कंपैरिजन नहीं है। तो अब सबसे पहले ये पिक करना है कि अगर सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल मांगा गया वो 60 फेस है, तो पहले सेंटर का 60 फेस वाला एंगल निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट डबल नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट हाफ नहीं किया जा सकता। 60 का कंपैरिजन 60 के साथ, हैप्पी का कंपैरिजन हैप्पी के साथ। तो अगर मुझे ए डी बी वाला एंगल निकालना है तो ये तो 60 फेस है, तो भाई पहले सेंटर का 60 फेस वाला एंगल निकाल लें, पहले सेंटर का 60 फेस वाला एंगल निकाल लें। तो ये 60 फेस वाला एंगल कितना होगा सोचिए बच्चों, कितना होगा? 360 माइनस 130, 360 में से 130 माइनस कर दें, इट वुड बी 230। अब जब सेंटर का 230 60 फेस वाला एंगल आ गया, तो अब सर्कमफ्रेंस का 60 फेस वाला एंगल निकालने के लिए बिला झिझक आप हाफ कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर वाला एंगल बड़ा होता है, डबल होता है सर्कमफ्रेंस वाले के, लिहाजा सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर वाले का आधा होगा। लिहाजा अगर सेंटर वाला एंगल 230 है तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल होगा 230 डिवाइडेड बाय 2, 115 डिग्री। तो यहां से हमें पता चला कि अगर सर्कमफ्रेंस का हैप्पी वाला निकालना है तो सेंटर का हैप्पी वाला होना चाहिए, और अगर सैड वाला निकालना है तो सैड वाला होना चाहिए। तो हैप्पी का कंपैरिजन हैप्पी के साथ, सैड का कंपैरिजन सैड के साथ। तो हमने कुछ बातें हैं क्लैरिफिकेशन उस पर हासिल कर ली। ये एग्जाम्पल कॉपी करना चाहते हैं फटाफट कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़े। अच्छा, प्रॉपर्टी टू, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। प्रॉपर्टी थ्री, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। प्रॉपर्टी टू, थ्री एंड फोर, जितना कुछ स्क्रीन पे आ रहा है उसे फटाफट कॉपी कर लें, फिर एक साथ उसे डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह।
चले बेटा काफी टाइम हो गया, स्टार्ट लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर टू, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अभी हमने लर्न किया कि एक कॉर्ड जो है दो अनइक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करता है। तो मैंने कहा एक कॉर्ड है ए बी, तो नीचे जो कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा इस केस में है जो मैंने सर्कल बनाया वो माइनर सेगमेंट है और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। अब अगर मैं कहता हूं कि ये कॉर्ड ए बी मेजर सेगमेंट में एक एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल कैसे फॉर्म होता है देखिएगा, ये जरूरी है कि अगर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है तो आप देखिए उसका सोर्स कॉर्ड कौन सा है। तो अब ये एंगल फॉर्म हो रहा है एंड दिस इज 30 डिग्री, तो अब ये देखिए कि एंगल आ कहां से रहा है, इसकी इसके रूट्स क्या है। तो आप देखिए ये आ रहा है कॉर्ड ए बी से। अब अगर कॉर्ड ए बी जो है सर्कमफ्रेंस पे एक और एंगल बना रहा है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, और जितने भी चाहे एंगल बना ले ये ए बी सर्कमफ्रेंस पर, तमाम एंगल्स 30 होंगे प्रोवाइडेड के तमाम एंगल्स मेजर सेगमेंट में हो। अगर ये ए बी माइनर सेगमेंट में कोई एंगल बना देगा तो वो 30 नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी कहती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर एक कॉर्ड सेम सेगमेंट में मुख्तलिफ एंगल सबटेंड करता है, इफ अ कॉर्ड सबटेंड्स मेनी एंगल्स एट द सर्कमफ्रेंस इन द सेम सेगमेंट ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल। तो मैंने नीचे एक और एग्जांपल, अगर ए बी सी पे एंगल बना रहा है 60 का, तो ए डी बी जो है वो भी 60 होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू इस केस में 60 हो जाएगी। और अगर मुझे कोई कहता है ए ई बी एंगल बताओ तो वो वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। एंगल सबटेंडेड बाय अ पर्टिकुलर कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस इन द सेम सेगमेंट आर ऑल इक्वल। अब बाज अवकात ना इस तरह बना हुआ होता है शेप, तो आप समझ जाएं ये सी कहां से आ रहा है। अच्छा ये प्रॉपर्टी ना 90% केस में लगती है, 90% सवालात में ये वाली प्रॉपर्टी ना एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल की जान है। जैसा भी सवाल होता है ना देखा ही गया है कि ये वाली प्रॉपर्टी जरूर व जरूर लग रही होती है। जब मैं सवालात करवाऊंगा तो मैं शॉर्ट लिस्टिंग सिखाऊंगा कि कैसे हमें ये आइडेंटिफाई होगा कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टीज तो काफी सारी हैं, लेकिन असल चीज होगी कि किस तरह पास पेपर्स के सवालात अटेम्प्ट करने। वो एक ऐसी स्किल है जो इंशाल्लाह सवालात के साथ आपको सिखाऊंगा बेहतरीन अंदाज में, कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप सारे सवाल खुद करने के कर सकेंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर यहां पर ए बी कॉर्ड है और ये बना हुआ नहीं है, तो भाई आप सबसे पहले ए और बी को जोड़कर ए बी कॉर्ड बना लें। अब आपको पता चल जाएगा कि ये तमाम एंगल जो एंगल ए सी बी, देखिए अगर आप मैं लिख रहा हूं ए सी बी ए डी बी और ए ई बी, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है ए बी। इसका ये मतलब हुआ कि सबका कॉर्ड सेम है, सबके रूट्स सेम है, सबकी जड़ें सेम है, तीनों एक जगह से आ रहे हैं। तो ए सी बी सर्कमफ्रेंस वाला एंगल ए डी बी और ए ई बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों एंगल मेजर सेगमेंट में फॉर्म हो रहे हैं। अगर यहां पर कोई एंगल माइनर सेगमेंट में फॉर्म हो रहा हो तो वो 60 नहीं होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा लगती है। अब जैसे मैं यहां लगा रहा हूं, यहां बना देता हूं, दिस इज पॉइंट एफ, तो ये वाला पॉइंट एफ जो है ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। कहिए अब ये प्रॉपर्टी कब कब लगेगी, कैसे कैसे लगेगी, वो इंशाल्लाह आपको समझ तो आ गई है, लेकिन मैं सवाल के थ्रू भी इंशाल्लाह जब समझाऊंगा तो और बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी। जब सारी प्रॉपर्टीज एक सवाल में बहुत सारी लग रही होती है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज ना हो उसकी स्किल इंशाल्लाह सवाल के साथ डेवलप होगी। प्रॉपर्टी नंबर टू आसान थी, मैंने वाजे कर दी। प्रॉपर्टी नंबर थ्री,
एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90। अभी हमने एक बात सीखी, बल्कि क्लास के स्टार्टिंग में सीखी थी कि हर कॉर्ड सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन एक कॉर्ड ऐसा है जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है और वो सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट सेमी सर्कल कहलाते हैं। तो अब यहां पर एक बात समझ लें कि जब लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे एंगल सबटेंड करता है, एंगल फॉर्म करता है, तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब सोचें कैसे, कॉर्ड ए और बी जो है, कॉर्ड ए बी जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? तो आप देखें ए बी स्ट्रेट लाइन है और सेंटर पे कॉर्ड ए बी 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या थी एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल में? एंगल एट सर्कमफ्रेंस, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, यानी कि सर्कमफ्रेंस वाला एंगल सेंटर वाले एंगल से हाफ होता है। तो अगर इस केस में सेंटर वाला एंगल 180 है तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी नंबर वन से लिंक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी नंबर वन से लिंक नहीं भी करना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये याद होना चाहिए कि अगर किसी सवाल में एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के किसी सवाल में अगर एग्जामिनर डायमीटर बनाकर दे दे और वो डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल फॉर्म कर रहा हो, तो चाहे वो ऊपर एंगल फॉर्म करे चाहे वो नीचे एंगल फॉर्म करे, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। भाई यहां तो मेजर माइनर का चक्कर ही नहीं है ना, डायमीटर ऊपर बनाए या नीचे, दोनों क्या कहलाते हैं? दोनों सेमी सर्कल्स कहलाते हैं। तो अगर डायमीटर किसी एक पर्टिकुलर सेमी सर्कल में एंगल फॉर्म करेगा सर्कमफ्रेंस पे, तो वो 90 होगा। प्रॉपर्टी का एब्रीविएशन इस्तेमाल होता है, कहीं लिखा होता है, याद कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं याद करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिखें। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कमफ्रेंस इज 90, एब्रीविएशन है राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल। अगर सिर्फ ये भी लिख दें राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ये बात वाजे हो जाती है क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी से लिंक मैं ये कर रहा हूं बेटा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जब एक कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाता है और वही कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है, तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल सेंटर वाले एंगल से हाफ होता है। हमने एग्जांपल देखा था कि अगर सेंटर में एंगल 150 है तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल था 75। तो यहां ए और बी जो है वो सेंटर से नीचे तो है नहीं, वो तो सेंटर के लेवल पर ही है। तो अब मैं कहता हूं कि ये एंगल ए और बी कितना है। भाई जब इस तरह का सिनेरियो होता है, एक AOB जो है वो एक्यूट इस केस में है तो एक जो है वो रिफ्लेक्स है, लेकिन अगर मैं यहां बात करूं एंगल AOB की, तो AOB तो स्ट्रेट लाइन है, एंगल AOB कैसे फॉर्म हो सकता है? तो अगर देखा जाए तो एंगल AOB स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, एक एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है? 180। अब अगर मैं AOB के एंगल की बात इस केस में कर लूं, अज्यूम कर लूं कि AOB एंगल है, तो वो कौन सा एंगल है? दैट एंगल वुड बी 180 डिग्री। तो अगर सेंटर वाला एंगल 180 है तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल 180 का हाफ होगा, यानी कि 90। तो ये बेसिकली हमने इमेजिनेशन में सोचा कि AOB एक एंगल है जो 180 है, ऑल्दो AOB स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर हम एंगल देखें तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल तो 180 होता है। लिहाजा उस हिसाब से बुक्स वगैरह में इसी तरह समझाया हुआ है कि ये एंगल जो है बढ़ता बढ़ता जब 180 पे पहुंच गया तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल 90 हो गया। तो एंगल subtended by the diameter is always equals to 90 degree, चाहे वो ऊपर बनाए या नीचे बनाए एंगल 90 बनेगा। यहां तक बात सबको क्लियर है?
बेटा एंगल एओबी स्ट्रेट लाइन है, 90 कैसे होगा? एंगल एओबी तो ये वाला एंगल है ना, 90 कहाँ से हो गया? स्ट्रेट लाइन पे एंगल तो 180 होता है, 90 तो ये वाला एंगल है ना। यू देखे एओबी या यू देखे, एंगल तो 180 है, सही है मुतार? एबीसी वाला एंगल निकालना तो अभी हमारा टास्क ही नहीं है, बस एसीबी 90 होगा, ये बात हमें समझ आ गई, और एडीबी भी 90 होगा, तो हम लिख सकते हैं एसीबी इज इक्वल टू एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है जी, चले ये बात भी हमें समझ आ गई। अच्छा अब हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी नंबर 4 की, जाने बढ़ते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसा क्लोज फिगर जिसकी कम से कम 3 साइड्स हो। 3 साइडेड पॉलीगॉन को ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइडेड पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? A polygon with 4 sides, any 4-sided figure is known as a quadrilateral. किसी भी 4-sided figure को quadrilateral कहा जाता है। तो ये cyclic quadrilateral क्या है? ऐसा quadrilateral जिसके चारों vertices circumference of the circle पे lie कर रहे हो, ऐसे quadrilateral को cyclic quadrilateral कहा जाता है। A quadrilateral whose all 4 vertices lie on the circumference of a circle is known as a cyclic quadrilateral. ऐसा quadrilateral जिसके चारों vertices circumference पर lie करते हों, उसे cyclic quadrilateral कहते हैं। अच्छा अगर एक quadrilateral cyclic quadrilateral है तो क्या होगा इससे? इसका मतलब अगर चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं तो क्या होगा? तो भाई जो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं, ए के ऑपोजिट कौन है? सी। तो अगर ए वाला एंगल लेट सपोज मुझे कोई बता दे 100 है, तो सी वाला एंगल होगा 80। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हमें यहाँ पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं अगर दो एंगल्स का सम 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, अगर दो एंगल्स का सम मिला के 180 हो तो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, दिस मीन्स उन ऑपोजिट एंगल्स का सम मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो अगर इफ वन ऑफ देम इज गिवन वी कैन फाइंड द अदर वन, इन दिस केस इफ ए इज 100 C would be 80, and similarly, if angle B is 70, angle D would be 180 minus 70, which is 110. So opposite angles का sum देखें, यहाँ भी 180 है और यहाँ भी 180 है. Angle A plus angle C equals to 180, angle B plus angle D equals to 180. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. अच्छा जी, अब यहां एक बात मैंने लिखी है जो कि पता हो तो भी सही है, नहीं पता हो तो भी सही है। Exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite interior angle. इसका क्या मतलब है? इसको जरा समझ ले, वैसे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे आपको समझाने के लिए लिखी है। अगर कोई वन ऑफ द साइड इज एक्सटेंडेड, जैसे ए बी सी डी जो है, इस केस में ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में बनाया हुआ है, अगर मैं साइड डी सी को एक्सटेंड कर दूं, इफ द साइड डी सी इज एक्सटेंडेड, तो ये एक्सटर्नल एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल, हमें पता ना इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला के 180 होते हैं, तो इंटीरियर 80 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? 180 माइनस 80, 100। और सिमिलरली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो भी सप्लीमेंट्री है,
तो अगर ये वाला एंगल सी एंगल सी 80 है तो एंगल ए कितना होगा 180 माइनस 80 100, तो एंगल ए भी 180 माइनस करके निकल रहा है और एंगल सी का एक्सटीरियर वाला भी 180 माइनस करके निकल रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल एक्सटीरियर एंगल है 100 का, ये ऑपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा। आप देख सकते हैं दिस इज 100 एंड दिस इज ऑल्सो 100, लेट सपोज ये एफ है, तो हम यहां पर कह सकते हैं बी सी एफ इज इक्वल टू बी ए सी। बी सी एफ एक्सटीरियर एंगल है और बी ए सी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आपको यह बात नहीं भी पता थी, लेट सपोज एंगल ए दिया हुआ है 100 और आपको बी सी एफ निकालना है, तो आप बस क्या करेंगे, आप एंगल ए को पहले 180 से माइनस करके एंगल सी निकालेंगे 80, फिर 80 को दोबारा 180 से माइनस करके 100 निकालेंगे। अब आपको ये बात पता चल गई कि आपको बिला वजह माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर बी ए डी 100 है तो बी सी एफ ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, सही है। इसका इस प्रॉपर्टी का या इस तरह की कोई बात का जिक्र कोई सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो किताबों में ये चीज जो है वो हमें नजर आती है, तो इसलिए आपके सामने हमने रख दी, वरना सिलेबस में तो इस एक्सटीरियर एंगल वाली चीज का कोई जिक्र नहीं है। बस ये याद होना काफी है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180। बताएं यहां तक तमाम बच्चों को हर बात क्लियर है, वाजे करके डिटेल में मैंने हर बात बताई, बार बार रिपीट करके ताकि कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। यहां तक हर चीज क्लियर है? अच्छा देखें, अब जो है ना इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह जो टेंजेंट वगैरह की प्रॉपर्टीज हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हाफ एन आवर में डिस्कस करवाऊंगा, और फिर पास्ट पेपर्स के एक दो सवाल भी उसी क्लास में करवाऊंगा, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से उसी क्लास में एप्लीकेशन भी हो जाए। तो जितना अब तक पढ़ा है, जितनी प्रॉपर्टीज अब तक सीखी हैं, उनको प्रॉपर तरीके से समझ के नेक्स्ट क्लास में आइएगा। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल की एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल भी करेंगे, सवालात भी करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।